सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम न जाने कितनी यात्रा कर चुके, न जाने कितनी यात्राओं के भागी हो चुके और न जाने कितनी यात्रा और करनी पड़े नहीं मालूम। लेकिन इतना विश्वास है कि एक दिन वो हमारी सुनेंगी, तो फिर उस विश्वास को पुष्ट करते हुए हमें चाहिए कि हम अपने जीवन के परम कल्याण को उद्यत हो जाएं, आगे बढ़ जाएं। बार बार ये समय, बार बार ये मौका जीवन में नहीं आएगा। समय कीमती है, मौका कीमती है, कथा कीमती है। नारायण की कथा और नारायणी की कथा, क्योंकि कभी आप सोचते होंगे कि नारायण की कथा जब सुनते हैं तो नारायण पूर्ण शक्ति स्वरूप माने जाते हैं, और नारायणी की कथा सुन रहे हैं तो नारायणी पूर्ण शक्ति स्वरूपा है, तो कौन? भैया दोनों बराबर हैं। आपने चना देखा है, एक चना उसको बीच में से हटाओ तो दो पार्ट हो जाते हैं, लेकिन चना एक ही होता है। कहने का तात्पर्य यह है, न शक्ति कम है न शक्तिमान कम है। शक्ति शक्तिमान में प्रविष्ट करती है तब शक्ति और साधने वाला दोनों एक हो जाते हैं। जिस तरह बूंद सागर में प्रविष्ट होती है तो बूंद बूंद नहीं रहती, वो सागर हो जाती है। ठीक उसी तरीके से हमारे हर देवी देवता अपने आप में पूर्ण सामर्थ्यवान हैं, पूर्ण सामर्थ्यवान, लेकिन वो एक है। स्वरूप भिन्न भिन्न हो सकते हैं, स्वरूप भिन्न भिन्न है क्योंकि स्वरूप भी हमारे लिए बनाए गए, हमें समझ में आए कि लीला क्या होती है। बाकी ईश्वर एक ही है, ईश्वर अनेक नहीं है।